नमस्कार दोस्तों, एजेस रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है, जिसमें हम 2023 में कुछ प्लानिंग करेंगे। हमारा मकसद रहेगा एक साल में करोड़पति बनने का। ओके फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दो दिन के बाद मैंने ये जो चैनल बनाया था मैंने जनवरी 2022 में, तो दो दिन के बाद मेरा एक साल कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स इस चैनल का। तो इसकी खुशी में हम कुछ इस साल 2023 में कुछ प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के हिसाब से हम काम करेंगे। और हमारा जो प्लानिंग रहेगा फ्रेंड्स, वो एक साल में करोड़पति बनने का प्लानिंग रहेगा। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है? अगर हम पैशनेटली हम अपने आप को कंट्रोल करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, स्टॉप लॉस लगाए रखें और अपने आप को कंट्रोल में रख के ट्रेड करें, तो ये पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स करोड़पति बनने का हमारा ड्रीम्स भी। और उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग यानी कैसे, जैसे कि हम समझो कि हमको अपना एक घर बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम आर्किटेक्ट के पास प्लानिंग करवाते हैं पेपर पे, और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे बेडरूम आएगा, यहाँ पे लिविंग रूम आएगा, यहाँ पे किचन आएगा, यहाँ पे पूजा रूम आएगा, यहाँ पे स्टेयरकेस आएगा। वो सब प्लानिंग करने के बाद साइट पे हम अपना घर बनवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वैसे ही फ्रेंड्स, अगर हमें शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लॉस ही होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, और हमारा प्लानिंग ये छोटा मोटा प्लानिंग नहीं रहेगा, ये हमारा प्लानिंग रहेगा एक साल में करोड़पति बनने का। तो वो एक साल में करोड़पति हम कैसे बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे कि एक साल के अंदर 38 सब्सक्राइब हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और व्यू थोड़ा सा आया है 2238। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और जिन लोगों ने देखा है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया और इतने व्यूज आए हैं मेरी चैनल पे। आशा करता हूँ कि 2023 में ये व्यूज और बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और व्यू आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स 2023 में हम कैसे प्लानिंग करें। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर करो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मैंने पर मंथ का प्लानिंग किया हुआ है टोटल फर्स्ट डे से। अगर समझो आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा रहेगा 10,000। अगर इस महीने आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो और अगर रिटर्न पर डे हमें चाहिए मिनिमम 5% पर डे हम लेते हैं, तो 500 रुपया हमें मिलता है पर डे। तो टोटल फर्स्ट डे का हमारा टोटल हो गया 10,500 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, ये पर मंथ का प्लान है, 5% रिटर्न लेना है हमें पर डे। अभी रिटर्न कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा फ्रेंड्स, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे डाल दिया है, वो आपको बताऊंगा मैं। ओके, सेकंड डे में आपका हो गया इन्वेस्टमेंट टोटल 10,500, उसका रिटर्न आएगा 5% के हिसाब से 525 रुपया हमें मिलेगा सेकंड डे में। टोटल हमारा हो गया सेकंड डे को 11,025, थर्ड डे को हो गया हमारा 11,025। यहाँ पे जो 11,025 था हमारा फ्रेंड्स ये वाला, वो हमारे थर्ड डे में हम इन्वेस्ट करेंगे 11,025, उनका 5% आएगा फ्रेंड्स 551 रुपीज़ हमें प्रॉफिट होगा। टोटल दोनों मिला के हो गया हमारा 11,576। वैसे ही फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सीधा 10 डे को देखेंगे तो ये सब आप चेक करोगे ये सब, तो मल्टीपल आएगा फ्रेंड्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हमें ये प्रॉफिट मिलता रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 10वें दिन में हमारा हो जाएगा 10,000 का 15,513, और 15,513 के हिसाब से 5% तक के हिसाब से हमारा इनकम आएगा पर उस दिन 10वें दिन 776 यानी 700 रुपीज़, और ये दोनों मिला के हो जाएगा 16,289 रुपीज़ हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 10वें दिन। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप चेक करोगे तो 15वां दिन क्या हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं मैं ये पूरा, आप बाद में इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 15 दिन में फ्रेंड्स ये हो जाएगा 14 दिन में अगर हो जाएगा फ्रेंड्स 18,856 का 5% के हिसाब से 943 रुपया मिलेगा हमको, और उसका वैल्यू हो जाएगा 19,800 के करीब। और अगर फ्रेंड्स 19,800 हम इन्वेस्ट करेंगे 15वें दिन, तो उसका 5% के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा 990 रुपीज़, और
दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 20,789 रुपीस। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स यहाँ कहाँ तक आया हमारा, 16 दिन तक हमारा इतना प्रॉफिट आया है फ्रेंड्स। इसको निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, अभी हम नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप चेक करोगे 25,270 हम इन्वेस्ट करेंगे, उसका 5% के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा 1,263 रुपीस, और दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 26,533 रुपीस। फ्रेंड्स, एक महीने के अंदर 22 हमारा ट्रेडिंग दिन डे होता है, 20 से 22 या 23 ट्रेडिंग डे होता है। इसमें हमें पर डे 5% ही लेना है, ज़्यादा हमें लालच नहीं करना है। और अगर आप 10,000 डाल के 5% के हिसाब से अगर इस प्लान पे हम काम करेंगे तो ये पॉसिबल होता है फ्रेंड्स। तो एक महीने का हमारा इनकम हो गया 26,500 रुपीस। ओके फ्रेंड्स, हमने इन्वेस्ट कितना किया फ्रेंड्स, यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 फर्स्ट डे इन्वेस्ट किया, और लास्ट महीने के एंडिंग में हमारा हो जाएगा 26,500 रुपीस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टोटल हमारा वैल्यू हो जाएगा 10,000 का 26,500 अपना वैल्यू हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे चेक करोगे तो 16,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स 5% के हिसाब से हमारा 1 मंथ में। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स 10,000 की जगह आप 5,000 भी ले सकते हो, 20,000 भी ले सकते हो, 15,000 भी ले सकते हो, उसके हिसाब से ये 5% के हिसाब से ये वैल्यू सब चेंज होती रहेगी फ्रेंड्स। अगर 5% के हिसाब से आप यहाँ पे 3% भी कर सकते हो, 7% भी कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स 10% भी कर सकते हो, ये फ्रेंड्स पॉसिबल होता है ऑप्शन में फ्रेंड्स। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो पर डे 5% भी मिल देगा, मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है। लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि आपको धैर्य रख के काम करना पड़ेगा, आपको अपने सेटअप पे काम करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फ्रेंड्स पर मंथ का प्लानिंग, पर मंथ का हमारा कितना हुआ 26,000। अभी 1 ईयर के हिसाब से हमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1 ईयर करोड़पति प्लान है फ्रेंड्स, ये इसका नाम लिखा मैंने 1 ईयर करोड़पति प्लान। ओके, तो हमें 1 ईयर में हमें करोड़पति बनना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर फ्रेंड्स ये टोटल मंथ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने किया था 10,000 का, मान लो 20,000 होता है रिटर्न पर मंथ, या पहले महीने यहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स 24,530 हमारा रिटर्न हुआ था, जिसका रिटर्न उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन किया है फ्रेंड्स 24,533 के हिसाब से। और मान लो कि 24,533 हमें रिटर्न नहीं मिलता, उसकी जगह मिनिमम हमको 20,000 ही मिलेगा एंड महीने के एंडिंग में पहले वाले। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये प्लानिंग किया है। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स चेक करोगे कि ये फर्स्ट मंथ हो गया हमारा, सेकंड मंथ में क्या होगा, यहाँ पे 20,000 हम इन्वेस्ट करेंगे तो 20,000 का हमारा हो जाएगा 40,000। जैसे यहाँ पे हमने 10,000 इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे उसका महीने के एंडिंग में हो गया 26,530 रुपीस। तो मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है, दो पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पर मंथ का, अगर 10,000 का 20,000 हो जाएगा या फिर 26,000 हो जाएगा, मिनिमम 20,000 मैक्सिमम 26,000। ओके, मैक्सिमम इससे भी आगे हो सकता है, लेकिन हमें कुछ प्लानिंग किया है उसके हिसाब से ही हमें काम करना है। तो सेकंड मंथ में क्या होगा फ्रेंड्स, 20,000 का हो जाएगा 40,000, यानी 20,000 हो जाएगा 40,000 या 53,000। ओके, ये दो में से कोई भी एक प्लान पे हम काम कर सकते हैं। थर्ड मंथ में हो जाएगा 40,000 का 80,000 और 53,000 का 1,000,000 के ऊपर। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो 5 मंथ में इसका वैल्यू बढ़ के कितना आ रहा है फ्रेंड्स, ये 5वें महीने में 1,60,000 का हो जजाएगा हमारा 3,20,000, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 4,024,000। सिर्फ 5वें महीने की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आप चेक करो, आप सोचो कि अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो कितना मज़ा आएगा फ्रेंड्स हमें ट्रेडिंग करने में। और ये 6वें महीने का है, 7वें महीने का है, 8वें महीने का इतना है, 9वें महीने का इतना है, अभी 10वें महीने का देख लेता है फ्रेंड्स डायरेक्टली। ये फ्रेंड्स 10वें महीने में क्या हो सकता है फ्रेंड्स, 10वें महीने में अगर हम 51,20,000, और यहाँ पे अल्टीमेट फ्रेंड्स लास्ट में हम चेक करेंगे तो ये 14 मंथ है, 14 मंथ में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे इतना हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे आप अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है करोड़पति बनने का,
तो ये हमारा 14 मंथ को यानी 14वें महीने में यानी 2024 अभी 2023 में हम स्टार्ट करेंगे, तो 2024 में फ्रेंड्स ये हो जाएगा 16 करोड़ मिलेगा 20,000 के हिसाब से और 26,000 के 26,500 के हिसाब से 21 करोड़ मिल सकता है फ्रेंड्स अगर हम इस प्लान में हम काम करेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से वीडियो को देखें समझे और प्लानिंग करें फ्रेंड्स। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये पर मंथ का प्लान है हमारा 5% रिटर्न के हिसाब से 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पहले दिन में 10,050 हो गया, ऐसे ही आप पर डे 5% रिटर्न लेते जाओगे तो महीने के आखिर में यानी 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, इसमें 20 ट्रेडिंग सेशन में हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 25,270 के हिसाब से 9% के हिसाब से टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा 24,533 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, ये एक महीने में होगा और 1 ईयर करोड़पति प्लान जो है इसमें यही वैल्यू आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे, एंड पहले मंथ हमने फ्रेंड्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था इसका डबल हो जाएगा फ्रेंड्स यानी 53,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 24 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 33 लाख, 67 लाख प्लस, 1 करोड़ के प्लस, 2 करोड़ प्लस, 5 करोड़ के प्लस, 10 करोड़ के प्लस, 21 करोड़ के प्लस और अल्टीमेट हो जाएगा यहाँ पे 21 करोड़। सेम वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 का 20,000 हो जाएगा, उसका 40,000 हो जाएगा, उसका 80,000 हो जाएगा, इसका एक साथ 60,000 हो जाएगा, 3,20,000 हो जाएगा, 6,40,000 हो जाएगा, 1,12,00,000 80,000 हो जाएगा, 25,60,000 हो जाएगा, 51,20,000 हो जाएगा। वैसे ही आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 16 करोड़ का वैल्यू हमें दिख रहा है फ्रेंड्स 20,000 के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स हमें आपका सवाल यह होगा तो ये कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, ये हो सकता है अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम करें तो भी हो सकता है, और इसके लिए हमें मैंने आपको फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे तो इस प्लेलिस्ट में जाने का है आपको फ्रेंड्स, अब प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे तो मैंने वहाँ पे ये सेटअप सीरीज़ करके एक फोल्डर बनाया होगा, इस सेटअप सीरीज़ में मैंने आपको दिखा देता हूँ अभी फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 4 वीडियो है, इसमें पहला वीडियो रहेगा फ्रेंड्स ये वाला, कौन सा वाला रहेगा फ्रेंड्स ये वाला स्टॉक सेटअप 50 मिनट चार्ट में फ्रेंड्स स्टॉक सेटअप करके रहेगा एक सेटअप, सेकंड सेटअप रहेगा डेली चार्ट का सेटअप रहेगा, निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑप्शन में हर रोज 2,000 से लेकर 20,000 कैसे कमाए ये भी एक सेटअप है, और ये फर्स्ट के अंदर 5 मिनट का सेटअप है फ्रेंड्स। तो ये टोटल सेटअप आप 4 सेटअप में के आप चेक करोगे तो 4 सेटअप का आप बारी बारी पूर्वक देखोगे उसके हिसाब से आप प्लानिंग करोगे तो भी आपका आसानी से पर डे 500 रुपीज़ मिल जाएगा फ्रेंड्स 5% के हिसाब से आपको 5% मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करके इसमें हमें आगे बढ़ना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और हम कुछ प्लानिंग करके ही आगे बढ़ेंगे हम, जैसे कि मैंने अपने प्लानिंग किया है कि 10,000 इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या 5,000 इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या 15,000 इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वो सब मैं अपने आप के ऊपर डिपेंड करता हूँ। वैसे आप भी अपने आप के ऊपर हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं और डेली हर रोज़ हमें 5% भी लेंगे हम, मिनिमम 5% लेंगे तो उसके हिसाब से हमें कितना रिटर्न मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। ये 1 ईयर करोड़पति का प्लान है फ्रेंड्स और ये होगा फ्रेंड्स हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ये पर मंथ का प्लान है सर, ये इसको बोलते हैं पर डे का प्लान लिख लेता हूँ मैं फ्रेंड्स यहाँ पर डे। ओके फ्रेंड्स, ये पर डे का हो जाएगा 5% के हिसाब से रिटर्न। ओके, और ये हो जाएगा 1 ईयर करोड़पति प्लान में हमारा रहेगा रिटर्न पर मंथ का रिटर्न रहेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो वैसे हम कुछ प्लानिंग करके हम करोड़पति बन सकते हैं फ्रेंड्स शेयर मार्केट में। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लास्ट महीने में 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, तो मैं लास्ट महीने में फ्रेंड्स यहाँ तक पहुँच गया था ये 10th डे तक, यानी 10,000 का मैंने 16,000 कर दिया था, लेकिन उसके बाद का जो 2-3 सेशन मेरा जो हुआ था उसमें कुछ बहुत गलतियाँ की मैंने, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग किया, स्टॉप लॉस नहीं रखा,
ओवरनाइट पोजीशन रखा, उसकी वजह से मुझे पूरा लॉस हो गया फ्रेंड्स। तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि हमें ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें समझ में आता है फ्रेंड्स। हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तब हमें हमारी गलतियाँ भी कुछ आती है नज़र में, तो उसको भी सुधर के चलना है फ्रेंड्स। ये मैं आपको जान की खाते में बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।